हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल आजम फिर से हाजिर एक न्यू टॉपिक के साथ। तो भी चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं रोमांटिक पीरियड के एक इम्पॉर्टेंट वुमेन नोवलिस्ट मारिया एजोर्थ के बारे में। तो भी चलिए उनके बारे में जान लेते हैं। एजोर्थ के जन्म 1 जनवरी 1768 ब्लैक बर्टन ऑक्सफोर्ड शायर इन इंग्लैंड और उनकी मृत्यु 22 मई 1849 एजोर्थ टाउन काउंटी लॉन्गफोर्ड इन आयरलैंड। बाय ऑक्यूपेशन शी वाज़ ए राइटर यानी कि नोवलिस्ट। उनकी नेशनलिटी है एंग्लो आयरिश और उन्होंने जिस पीरियड में काम किया है वो है 18th सेंचुरी। उनकी वर्क जो जनरा देखने को मिलता है वो है रिलीजनलिज्म, रोमांटिक नोवेल, चिल्ड्रंस लिटरेचर। अब बात करेंगे उनके द्वारा लिखित इम्पोर्टेंट वर्क्स यानी कि उनके द्वारा लिखित इम्पोर्टेंट नोवेल्स के बारे में। एजोर्थ के द्वारा लिखी हुई नोवेल्स को 3 हिस्सों में बांटा गया है, शॉर्ट स्टोरीज फॉर चिल्ड्रन, आयरिश टेल्स एंड फुल लेंथ नोवेल्स। तो पहले बात करेंगे शॉर्ट स्टोरीज फॉर चिल्ड्रन। यहाँ पर उन्होंने जो शॉर्ट स्टोरीज लिखा था उनको 2 कलेक्शन में पब्लिश किया गया है। नंबर 1 पर है द पेरेंट्स असिस्टेंट 1795 to 1800 और नंबर 2 पर है अर्ली लेसन्स 1800। उनके द्वारा लिखित आयरिश टेल्स में से इम्पोर्टेंट जो टेल्स है वो है कैसल रेक्रेंट 1800, जो उनके द्वारा लिखित सबसे इम्पोर्टेंट नोवेल था। कैसल ऑफ रेक्रेंट एजोर्थ द्वारा लिखित ऐसा एक नोवेल है जिसको पढ़ने के बाद सर वाल्टर स्कॉट ने कहा था कि कैसल ऑफ रेक्रेंट जिस तरह से आयरलैंड की पीपल को इंस्पायर करते हैं उसी तरह सर वाल्टर स्कॉट के द्वारा लिखित नोवेल्स भी स्कॉटलैंड के जनरल पीपल को इंस्पायर करता है। नंबर 2 पर है द एबसेंट 1809, नंबर 3 पर है ऑर्मॉन्ट 1817। उनके द्वारा लिखित तीसरी कैटेगरी यानी कि फुल लेंथ नोवेल्स में से है बेलिंडा 1801, ल्यूनोरा 1806, पेट्रोनिज 1814 और नंबर 4 हैरिंगटन 1817। तो दोस्तों, ये था एजोर्थ के द्वारा लिखित इंपॉर्टेंट वर्ड्स। उन्होंने इसके साथ और भी बहुत सारे शॉर्ट स्टोरीज और नोवेल्स लिखे था जो ज़्यादातर फेमस नहीं हुई। अगर आप उन सब नोवेल्स के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। यहाँ पर और एक इम्पॉर्टेंट बात है कि डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर आप क्लिक कीजिए तो आपको इस बारे में और भी बहुत सारा डाटा मिल जाएगा। अगर इस वीडियो को अच्छा लगे तो एक लाइक कीजिए, दोस्तों से शेयर कीजिए और हमारे अपडेट वीडियो को सबसे पहले पाने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलेंगे अगली वीडियो के साथ।